भागलपुर लोकसभा निर्वाचन के द्वितीय चरण में 26 अप्रैल शुक्रवार को भागलपुर समेत बिहार के बांका, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में मतदान होना है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और उनकी पूरी टीम के द्वारा युद्ध स्तर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वच्छ मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता समेत कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इसको लेकर बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि भागलपुर में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार बुधवार की शाम 5 बजे थम गया है, जबकि चुनाव आयोग के निर्देश पर उनके नेतृत्व में भागलपुर जिला प्रशासन और चुनाव कार्य से जुड़ी पूरी टीम मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए लगी हुई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके लिए सुबह 5:30 बजे मॉक पोल होगा। डीएम ने कहा कि तेज धूप और गर्मी को देखते हुए मतदान कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मियों से नमक चीनी का घोल नियमित तौर पर लेने एवं कपड़ा भिगोकर रखने की बात कही, जिससे लू और गर्मी के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिले में कुल 12 चलंत मतदान केंद्र बनाया गया है, जबकि जिले में कुल 2232 मतदान केंद्र बनाया गया है, जहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे मतदान करने बूथ पर पहुँचने वाले वोटर्स को वोटिंग के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जिले में कुल मतदान भवनों की संख्या 1267 है, जबकि भागलपुर संसदीय क्षेत्र में 1067 मतदान केंद्र भवन है। आदर्श महिला एवं पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र 7-7 बनाए गए हैं, जबकि महिला मतदान केंद्रों पर सभी मतदान कर्मी महिला और पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र पर दिव्यांगजन मतदान कर्मी ही तैनात रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 223 बूथ पीडब्ल्यूडी और 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के लिए बनाया गया है, जबकि भागलपुर जिले में कुल मतदाता 23,20,678 है, जिसमें महिला मतदाता 11,22,971 और पुरुष मतदाता 12,07,575 है। मतदान के दौरान वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक एवं डाकघर पासबुक, पेंशन बुक समेत कई तरह के कागजात हैं, जिसका इस्तेमाल मतदान के दौरान किया जा सकता है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 185 आर्म्स को जमा कराया गया है और 14,000 से अधिक लोगों को बॉन्ड ऑन कराया गया है। 1860 ऐसे लोग हैं जो उत्पात मचा सकते हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था भी रहेगी, जबकि लिंगानुपात 930 है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके अलावा भी चुनाव से जुड़ी कई तरह की अहम जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी ने दी है। साथ ही जिले के सभी मतदाताओं से उन्होंने वोट करने की अपील की है। आप सभी अवगत हैं कि 26 अप्रैल 2024 को इस भागलपुर में आम लोकसभा का आम चुनाव होना है और उसके लिए पूरी तैयारी हम लोग की तरफ से कर ली गई है। उसके संबंध में आपको ब्रीफ करना चाहेंगे। मतदान की तिथि 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को है और सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान है और इस प्रक्रिया में हमारे यहाँ बूथ पर मॉक पोल 5:30 में प्रारंभ हो जाएगा सुबह में चुनाव के दिन। और मैंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से और विभिन्न कैंडिडेट से अनुरोध किया था कि अपने पोलिंग एजेंट को वो समय पे भेज दें ताकि हम 5:30 में मॉक पोल स्टार्ट करें और एग्जैक्टली 7 बजे हम मतदान शुरू कर दें। निश्चित रूप से अभी मतदान में गर्मी है और इसको लेकर के भी मैंने विभिन्न पदाधिकारियों से, कर्मियों से और आम जनता से मैंने अपील किया है कि इसमें खास करके वो अपना कपड़ा भिगा करके चेहरा भी पोंछते रहें और सर पे भी कपड़ा डालें और जो नमक चीनी पानी का घोल है वो ले सकते हैं, ORS ले सकते हैं ताकि सभी लोग ठीक रहें, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हो। चलंत मतदान केंद्र के बारे में मैं बताना चाहूँगा, कुल 12 चलंत मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 152 बीरपुर में 4, 155 कहलगांव में 2, 156 भागलपुर में 6 चलंत मतदान केंद्र हैं। सभी चलंत मतदान केंद्र पर हमने जो वाटर प्रूफ पंडाल है वो वहाँ पे रहेगा, जो बिजली की सुविधा है, जनरेटर है, पंखा है और शौचालय हम लोगों ने टैग किया है और कुछ जगहों पर शौचालय बनाया भी है चलंत मतदान केंद्र पर, इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है।
और इसके अतिरिक्त जो अन्य हमारे मतदान केंद्र हैं वो 2232 मतदान केंद्र है पूरे इस भागलपुर जिले में। और अभी मतदान केंद्र भवनों की संख्या का हम लोग आकलन करें पूरे जिले में 1267 है और 26 भागलपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 1067 है। आदर्श मतदान केंद्र हम लोगों ने 7 बनाया है। PWD मतदान केंद्र भी 7 बनाया है। महिला केवल महिला मतदान केंद्र भी 7 बनाया है और यूथ 1 बनाया है। आदर्श मतदान केंद्र PWD और महिला मतदान केंद्र प्रत्येक विधानसभा में 1-1 बनाया गया है। खास करके जो महिला मतदान केंद्र होगा वहाँ पे हमारे सारे कर्मी महिलाएं ही होंगी और वो पोलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगी। PWD मतदान केंद्र पर सारे कर्मी हमारे जो दिव्यांग हैं PWD हैं वही कर्मी हमारे रहेंगे। और इसमें इस डिटेल्स में मैंने बूथ का भी नाम आपको ओपन किया है। हमारे यहाँ PWD मतदाता की संख्या 20,675 है जिसमें 11,134 लोकोमोटिव है यानी जिन्हें चलने फिरने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। और 85+ मतदाता एवं PWD मतदाता के लिए जो कुल मतदान केंद्र चिन्हित है 223 है, उन 223 मतदान केंद्रों पर हम लोग व्हील चेयर का अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि हमारे मतदाताओं को कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी जगहों के लिए कंट्रोल रूम है, हमारा कंट्रोल रूम यही संचालित होगा। 152 बीहपुर के लिए है 0641 2422 031। गोपालपुर के लिए लास्ट में वही 032 है। पीरपैंती के लिए लास्ट में 033 है। कहलगांव के लिए 035 है। और भागलपुर के लिए 036 है। सुल्तानगंज के लिए 037 है। और नाथनगर के लिए 039 है। ये नियंत्रण कक्ष का नंबर है। जो मतदाता मतदान करेंगे कई वैकल्पिक दस्तावेज कई की सूची दी गई है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने करीब 185 आर्म्स को हम लोगों ने जमा भी कराया है, 138 को रद्द भी किया है, 3 को हम लोगों ने जब्त भी किया है। बॉन्ड डाउन 14,000 से अधिक लोगों को बॉन्ड डाउन कराया गया है और 1860 ऐसे लोग हैं जो उत्पात मचा सकते हैं अतिरिक्त उन्हें चिन्हित किए गए थे और कई लोगों को 110 की भी उसमें कार्रवाई की गई है। स्टेट स्वीप आइकॉन सुश्री मैथिली ठाकुर मंगलवार की शाम भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड पहुंची, जहां ओपन थिएटर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुई और अपने गीतों एवं मधुर आवाज से भागलपुर वासियों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर DM SSP आनंद कुमार और कार्यक्रम का संचालन कर रहे संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ने लोगों से 26 अप्रैल को मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में मताधिकार और वोट करने का विशेष महत्व है। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार जिले में स्वतंत्र शांतिपूर्ण निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने के साथ भागलपुर में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में बिहार की बेटी और सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर का कार्यक्रम हुआ जिससे प्रेरणा लेकर महिलाओं के साथ युवा मतदाता भी बढ़ चढ़कर वोट करे। DM ने कहा कि बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर ने बिहार के अलग अलग जिलों में 100% मतदान सुनिश्चित कराने का बीड़ा उठाया है और उनके इस प्रयास को सफल बनाने के लिए हम सभी को मतदान केंद्र पहुंचकर वोट देना अनिवार्य है जिससे अपने बिहार की बेटी का मान सम्मान देश दुनिया में और अधिक बढ़ सके। इससे पूर्व स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर का स्वागत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी SSP आनंद कुमार और उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग ने पुष्प गुच्छ देकर किया। वहीं मैथिली ठाकुर ने एक से बढ़कर एक गीत और सोहर गाकर लोगों का मनोरंजन करते हुए 26 अप्रैल को मतदान करने का संदेश दिया। इसके अलावा मैथिली ठाकुर ने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सभी जगह पर उन्होंने लोगों से यह वादा किया है कि जिस जिले के लोग सबसे अधिक संख्या में मतदान करेंगे वहां वह दोबारा आकर अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगी। इसके अलावा कार्यक्रम में स्वीप भागलपुर द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई जबकि कलाकारों ने नाटक के माध्यम से मतदाताओं को वोट करने के बाद ही कहीं बाहर जाने की अपील की। इधर जिला प्रशासन की ओर से पूरी टीम मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है जबकि मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी जिससे वोटर को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। विशेषकर शहरी क्षेत्र में कई ऐसे मतदान केंद्र होंगे जो बिल्कुल सुसज्जित रहेंगे जहाँ हर तरह की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। मतदान केंद्र तक जाएं
मतदान कराएं और वापस आएं। इसकी पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा पिछले 3 माह से लगातार किया जा रहा है और हम लोगों ने जितने भी मतदान केंद्र बनाए हैं और उस मतदान केंद्र पे आमंत्रित करने के लिए हम और डीएम साहब कई मोहल्लों में भी गए और जितने भी मतदाता गण हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित भी किया कि आप 26 अप्रैल को आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और मताधिकार का प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। भागलपुर जिला में मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि 26 अप्रैल को मतदान के दिन सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक भागलपुर जिले के बॉर्डर स्थित चेक पोस्ट को सील कर दिया जाएगा। दरअसल अपराधियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। साथ ही जिले के सीमावर्ती मार्गों को सील कर वाहनों की गहन जांच करने का भी आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि जिले में कुल 18 चेक पोस्ट हैं जिन्हें सील करने के आदेश डीएम ने जारी किए हैं। अपने पिता और भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा की जीत के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा ने बुधवार को जगदीशपुर प्रखंड में रोड शो किया। वहीं रोड शो के दौरान नेहा शर्मा को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। चिलचिलाती धूप में खुले गाड़ी पर सवार अभिनेत्री नेहा ने भागलपुर के विकास के लिए लोगों से अपने पिता को वोट देने की अपील की। रोड शो के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष परवेज जमाल समेत काफी संख्या में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में मतदाता कैंडल मार्च जागरूकता रैली निकाली गई। रैली सुल्तानगंज प्रखंड से निकली और विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। मार्च के दौरान सभी पदाधिकारी और कर्मचारी ने पहले मतदान फिर जलपान का नारा लगाते हुए सभी वोटरों को जागरूक किया। साथ ही 26 अप्रैल की सुबह सबसे पहले घर से निकल पर लोगों से वोट डालने की अपील की। कैंडल मार्च में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।